हेलो बच्चों, पाठ्यपुस्तक कस्तूरी वन का ये चैप्टर है 29, खिलौने वाला। तो आप लोग जानते हैं खिलौने वाले को? तो खिलौने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला आवाज लगा रहा था। बच्चों ने देखा और बोले, देखो खिलौने वाला आया, खिलौने वाला, आओ सब आओ उसके पास। बोना जोकर है और काला कौवा भी, उसके पास भालू है और मोटा शेर भी, समझ गए? तो बोना जोकर है, काला कौवा और भालू और मोटा शेर भी है उसके पास, खिलौने वाले के पास, समझ गए? देखो खिलौने वाला डुगडुगी बजा रहा है, देखो डुगडुगी बजा रहा है ना। सब बच्चे दौड़े दौड़े आए, खिलौने वाला डुगडुगी बजा कर बोला, डुग 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 डुग, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। मीना आई, टीना आई, साथ में उनकी मौसी आई और बहुत से लोग आए। कहाँ आए? खिलौने वाले के पास आए। खिलौने वाला बोला, देखो यह फौजी चौकी पर बैठा रखवाली करता है, यह नाचने वाला बंदर कचौड़ी खूब खाता है, यह डुगु डुगु वाला भालू डुगु 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 डुगडुगी बजाता है। मीना ने ली हंसने वाली एक गुड़िया, सोनू ने अपने लिए सीटी ली और वह बड़े मजे से बजाने लगा, समझ गए? गोपाल ने लिया एक बंदूक वाला फौजी, फौजी बड़ा रौबदार दिखता था। टीना ने खिलौने वाले की डुगडुगी बजाई और बजाने लगी, डुग 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 डुग। सबने खिलौने वाले को पैसे दिए, खिलौने पाकर सब खुश हो गए। खिलौने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला आवाज लगाते हुए आगे चला गया, समझ गए? अब आइए इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। इसके बाद हम बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कौन आवाज लगा रहा था? तो कौन आवाज लगा रहा था बताओ? तो खिलौने वाला आवाज लगा रहा था ना, तो ऑप्शन क सही होगा। कैसे आवाज लगा रहा था? खिलौने वाला, खिलौने वाला, ठीक है? तो खिलौने वाला आवाज लगा रहा था। ख देखिए, ख प्रश्न है, खिलौने वाला क्या बजा रहा था बताओ? तो क्या बजा रहा था? तो डुगडुगी ने बजा रहा था, तो ऑप्शन ग सही होगा, डुगडुगी। तो खिलौने वाला डुगडुगी बजा रहा था। तीसरा प्रश्न देखिए, सोनू ने कौन सा खिलौना लिया? तो कौन सा खिलौना लिया था सोनू ने? तो सीटी लिया था ना, तो ऑप्शन ग सही होगा, सीटी। सोनू ने सिटी वाला खिलौना लिया था। चौथा प्रश्न है, गोपाल का फौजी कैसा दिखता था? तो कैसा दिखता था गोपाल का फौजी? रौबदार दिखता था, तो ऑप्शन क सही होगा, गोपाल का फौजी रौबदार दिखता था। पांचवा प्रश्न है, नाचने वाला बंदर क्या खाता था? क्या खाता था? तो कचौड़ी खाता था। तो नाचने वाला बंदर कचौड़ी खाता था, ऑप्शन ख सही हुआ। तो नाचने वाला बंदर कचौड़ी खाता था, ठीक है? इसके बाद है, सही शब्द पर गोला लगाओ, है समझ गया? तो जो सही शब्द है उस पर गोला लगाना है। तो है क्या? तोलिया है ना, तोलिया, पकौड़ी, मौसी, खिलौना, खिलौना, फौज, फौज हो गया, ठीक है? अब देखिए, मात्रा लगा कर शब्द बनाना है, तो ये है फवारा। देखिए यहाँ पर फवारा लिखा हुआ है, फवारा लिखा है ना,
अकार होगा फ में अकार फ, फ में अकार फ, फवारा। फिर ये है हथौड़ी, देखिए यहाँ पर हथौड़ी लिखा हुआ है ना, तो ये है हथौड़ी, थ में अकार थ, ठीक है, ये थ में अकार थ, रविंद्रकड़ी हथौड़ी। उसके बाद है ये नौका है, ये देखिए नौका लिखा हुआ है ना, तो नौका, न में अकार न, कम कर का नौका। इसके बाद है ये कौवा है, देखिए कौवा लिखा हुआ है ना, तो कम अकार क, देखिए कम अकार क, अम कर आ कौवा। उसके बाद ये है पौधा, देखिए पौधा लिखा है ना, प में अकार प, ध में कर धा पौधा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए चित्र देखकर वाक्य पूरे करना है। तो देखिए खिलौने वाले के पास काला क्या था, तो काला कौवा है, कौन सा है, कौवा। कमे आकार क, अमे आकार आ कौवा, खिलौने वाले के पास काला कौवा है। उसके बाद है आगे बंदर क्या खाता है, तो बंदर कचौड़ी खूब खाता है, क्या खाता है, तो कचौड़ी खाता है ना, क्या खाता है, कचौड़ी। क च में अकार च, र में दीर्घकड़ी कचौड़ी, बंदर कचौड़ी खूब खाता है। उसके बाद गोपाल के पास बंदूक वाला फौजी है, फ में अकार फ, जमेदरी कार जी फौजी। गोपाल के पास बंदूक वाला फौजी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ओ और अ की मात्रा वाले शब्द छांट कर लिखना है ना। तो यहाँ पर ओ की मात्रा वाला देखिए इस प्रकार से है, कौन सा, देखिए ये फौजी आया ना, तो अ आ गया, देखिए फौजी, बोलो फौजी। फिर है उसके बाद हथौड़ा, ये अकर वाला में आ गया, ह थ में अकर थ, ड में कड़ा हथौड़ा। इसके बाद देखिए ये शौक है, ये अकर में आएगा, तालब से में कर शौक, शौक। उसके बाद नौका, देखिए ये भी अकर में आएगा, न में कर न, कम आकर का नौका। इसके बाद ये देखिए बोल है, से ओ कर में आएगा, ब में ओ कर बो ल बो। उसके बाद है चोट, चोट है से ओ कर में आएगा, च में ओ कर चोट चोट। उसके बाद लोटा, लोटा ओ कर में आएगा, ल में ओ कर लो, ट में आकर टा लोटा। इसके बाद देखिए पौन, पौना, पौना इसमें आएगा, प में आकर प, दंत में करना पौना। इसके बाद कोयल, कोयल आएगा ओ कर में, तो क में ओ कर को या अला कोयल। तो देखिए यहाँ पर ओ कार में आया बो लोटा कोयल, आ कार में आएगा फौजी हथौड़ी नौका सौक पौना। इसके बाद आगे देखिए बरकड़ी है ना, हाँ है ना। इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न है ना, है कि ना, बोलो है। तो यहाँ पर पढ़ना है को, कम आकर का,
कमे हसीकार की कमे दृकार की कमे हसुकार कू कमे दुरुकार कू कमे कर की कमे कर क्या कमे कर को कमे कर का कपर अनुस्वार कन कबिसर ले का। तो इसी प्रकार से क से ज्ञान तक पढ़ना है कि ना पढ़ना है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है चित्रों के सामने उनके नाम के शुरू का अक्षर वर्णन लिखना है, लिखना है कि नहीं। हाँ ठीक है कि नहीं है, है कि ना। हाँ तो देखिए, चित्रों के सामने उनके नाम के शुरू अक्षर या वर्ण लिखना है, लिखना है ना। हाँ तो यहाँ देखिए, ये है कान, तो इसमें लिखेंगे कमे आ का। इसके बाद ये देखिए, ये क्या है, कमल है, तो क लिखाएगा, क्या लिखाएगा। इसके बाद ये केला, तो कमे ए कार के हो गया। और ये देखिए, कमल हो गया, कान हो गया, और केला भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बता, हुआ ना। इसके बाद देखिए, कान किल है, क्या है किल, तो कमे देरे कार की हो गया, हो गया कि नहीं बता। इसके बाद ये है किला, तो कमे है शिकार की आएगा। और ये देखिए, ये कुत्ता है ना, तो ये हो गया कमे हर सुकार कू, कुसे कुत्ता होता है ना, होता है ना कि ना। इसके बाद एक किताब है, कमे शिकार की है कि नहीं, है ना। और इसके बाद एक कुट, कमे ओ कार को ना, को से बनता है कोट, होता है ना। ये देखिए, कृष्ण भगवान है, तो कमे री क्री, समझ गया का समझा। हाँ और ये देखिए, ये है कार, देखिए ये कार है ना, कमे आकार का। ये देखिए कीड़ा है, तो कमे दीर्घ कार की हो जाएगा, है कि ना। ये देखिए, ये है कुप, तो कमे दीर्घ कार कु हो जाएगा, होगा कि नहीं। अरे देखिए, हाथ खड़ी बना हुआ है कैसे, देखो यहाँ पर है ना, चोर है, हाथ खड़ी बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक, ये हो गया कौड़ी, नहीं ये हो गया कौड़ी, कमे आकार का, ठीक है, आया समझ में। एक कौड़ी हो जाएगा, आएगा कैदी, ठीक है। ये हो गया कौड़ी, आई हो गया कैदी, हुआ कि नहीं। इसके बाद है, आगे इन्हें भी जानना है, जैसे अंगूर हो गया अ पर अनुस्वार गम दुर्गर गु र अंगूर। फिर अंडा, आमे अनुस्वार अन ड में आकर डा अंडा। फिर मंजर में, ममे अनुस्वार मन ज दंतना मंजर। फिर संख है, तालब समय अनुस्वार संग ख संख। घंटा, घामे अनुसार घन तमा कट्टा घंटा। फिर छ, छ विसरले छ, बोला छ। इसका प्राप्त, प में आ कर पा में र त विसर प्राप्त। फिर नमः, दंतना मा विसर्ग नमः। उसके बाद है अंत, अंत अत, देखो अ द विसर्ग अत, बोलो अत।
फिर पुनः पमेसुकर्पु दंतना विसर्ग पुनः बोलो पुनः आख अमकर आ चंद्र बिंदु ख आख इसके बाद है सांप दंस में आकर सा चंद्र बिंदु प सांप उसके बाद है बांसुरी ब में आकर बा चंद्र बिंदु दंस में सु कर सु रवि दर कर री बांसुरी उसके बाद है कुंवर कामेश्वर कु चंद्र बिंदु व र कुंवर इसके आगे आंवला लिखा हुआ है हमें कर आ चंद्र बिंदु व लमे कल्ला आंवला इसके बाद है कंस कमे अनुसार कन दंस कंस इसके बाद पंख लिखा हुआ है पमे अनुसार पंख पंख इसके आगे रंग लिखा हुआ है रमे अनुसार रंग रंग इसके बाद दंग लिखा हुआ है दमे अनुसार दंग ग दंगा इसके आगे कंगा लिखा हुआ है कमे अनुसार कंग गमे कर घा कंघा इसके बाद है सना तालब स दंत में कन्ना विसर्ग सना इसके आगे प्रातः है प में कर पा मेरा य विसर्ग प्राय क्या है प्राय इसके आगे दुख लिखा हुआ है तब इसका दु विसर्ग ख दुख इसके आगे अक्षर स लिखा हुआ अ संयोज छ र तालब स विसर्ग अक्षर स इसके आगे क्रम स लिखा हुआ कमरा म तालब स विसर्ग क्रम स उठ लिखा हुआ है ना तो दुर्गा ऊपर चंद्र बिंदु ट उठ इसके बाद गेहूँ लिखा हुआ है गम कर गे हा में दुर्कार हूँ चंद्र बिंदु गेहूँ इसके आगे सूण लिखा हुआ है दंस में दुर्कार सु ऊपर चंद्र बिंदु ड सूण इसके आगे कलिया लिखा हुआ क लमस कर ली यम कर या चंद्र बिंदु कलिया इसके आगे चिड़िया लिखा हुआ है चमस कर ची रम करी यम कर या चंद्र बिंदु चिड़िया है ना लिखा हुआ इसके बाद है चित्र को पहचान आरन के नाम लिखो नाम लिखना है ना तो ये देखिए व्यक्ति का टांग है आदमी का टांग है ना तो टम करटा ऊपर चंद्र बिंदु ग टांग इसके आगे है चांद छपा हुआ चमकर चा ऊपर चंद्र बिंदु द चांद इसके आगे बांसुरी है लिखा हुआ तक बम्या कर ऊपर चंद्र बिंदु दंस में हर्षुकार सु रम दीर्घकारी बांसुरी इसके आगे शंख छपा हुआ तो तालब समय ऊपर अनुस्वार और ख शंख इसके बाद ये है हाथी का सूंड तो लिखेंगे दंस में खर सु दंस में दुर्कर सु ऊपर चंद्र बिंदु ड सूण इसके आगे है ये ओट छपा हुआ है ना तो दुर्गहु ऊपर चंद्र बिंदु ट ओट इसके बाद है बंदर
बमे अनुसार बंद र बंदा। समझ में आया? इस प्रकार से खिलौने वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।